हमार विंध्य स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, अपना पंच देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। खबर मनगवा से है, जहां के तिवनियों गांव में ही मुर्गा खाए के कारण एक ठहिए परिवार के पांच जनिन के तबियत खराब हुई गए। सब जने का संजय गांधी अस्पताल में ही भर्ती करावा गा है। बतावा गा के बना मुर्गा में ही छिपकली मरी रही, जोने के कारण बच्चन के तबियत बिगड़ गए। फिलहाल डॉक्टर के देख रेख में ही सबके इलाज चल रहा है। खबर साटोल से हबै, जहां जिला में एक लड़की पुनी के प्रशासन के बुलडोजर चला हबै। अपना का बताए दई कि नाबालिग के संगे दुष्कर्म करे वाले आरोपी के अवैध घरे का बुलडोजर चलाए दिन का। वहां एक के साथ है बुढ़ार के दुई बैंकन में डकैती डारे के आरोपी के सहयोगी रईस अंसारी के घरे का घलाए प्रशासन जमी दोष कह दिन। देखी सलगी कार्रवाई। सर, अतिक्रमण मुक्त कार्रवाई की गई है जिले में दो जगह है, कमलई थाना क्षेत्र में एक बुढ़ार थाना क्षेत्र में। क्या कार्रवाई थी, किस तरह की कार्रवाई थी, किस किस कमलई थाना क्षेत्र में? मोहम्मद अयूब इनका जो है लगभग 0.202 हेक्टेयर पर अतिक्रमण था, इनका अतिक्रमण हटा दिया गया है। बुलेटिन की अगली खबर नई गढ़ी से रही, जहां के जोधपुर गांव में ही अमृत सरोवर योजना में भ्रष्टाचार का उजागर करे वाले युवकन के तालाब के देख रेख करे वाले इंजीनियर हरी शर्मा के स्कॉर्पियो रौंदी ही रही। एक घटना में ही जहां कमलेश उपाध्याय के मौके में मौत हो गई रही, तो वह सोनू उपाध्याय संजय गांधी अस्पताल में जीवन और मौत के बीच झूलत लाहमा। इस हल्के एक मामला का ही संज्ञान में लगे अगस्त क्रांति मंच के कार्यकर्ता सोनू के जीवन के सुरक्षा और उनका न्याय दिलावे खातिर मांग करी नहीं। क्रांति मंच समसामयिक सामाजिक मुद्दों पर बात करता है, किसी भी अन्याय और शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने का कार्य करता है। हमारे भाई साहब, हमारे संयोजक जी और साथ में हमारा संगठन, हमारे साथ में जो सहयोगी और युवा हमारे साथ में हैं, वो निश्चित सरकार के जो भी इरादे हैं उन इरादों को भांपते हुए उनमें जो गड़बड़ियाँ उसको उजागर करने का कार्य क्रमशः और हमेशा करते आ रहे हैं। एक आर्यन जायसवाल जो टीवी विंध्या ऐसे करके यूट्यूब चैनल चलाते हैं समाचार, और वो खर्रा में एक तालाब का कवर करने गए थे जहाँ पे जेसीबी और ट्रैक्टर से काम हो रहा था। वो जैसे सवाल कर रहे थे, उनको मारने की धमकी दी गई है। वो सारी रिकॉर्डिंग कलेक्टर महोदय तक पहुँची है, सीओ तक पहुँची है, लेकिन कोई कार्यवाही न होना इसका मतलब है कि खुला संरक्षण है। बुलेटिन की अगली खबर सगरा थाना से है, जहां के लक्ष्मणपुर गांव में ही एक वीडियो गांव से वायरल हो रहा है। यह वीडियो लक्ष्मणपुर के रहाए वाले रोहित सिंह के बतावा जात है, जो उनके कुछ दिन पहले जेल से एनडीपीएस एक्ट के संगीन अपराध में ही जमानत में छूटे। युवक अपने साथी के संगे वही गाड़ी के पुन के प्रयोग कर लाहमा और क्षेत्र में ही असलहन कलई के दहशत फैलावल लाहमा। मध्य प्रदेश में आवे वाले पंचायत और नगरी चुनाव में ही आरक्षण से नाराज ओबीसी महासभा सनीचर का ही अपने सैकड़न कार्यकर्तन का लेके रीवा शहर में ही और सतना शहर रिपीट रीवा और सतना शहर में ही सड़कन में उतर आए। ये समय शहर बंद के साथ है सरकार के खिलाफ नारेबाजी करी, और मध्य प्रदेश में ही पंचायती और नगरी चुनाव में ही आरक्षण 27% तक बढ़ावे खातिर मांग करी नहीं। शिवराज सरकार ने, आपने देखा होगा, हमारी एक रोटी छीन के एक टुकड़ा डाल दिया ओबीसी के लिए। क्या ये आप लोग का मंजूर है? हमें तो बिल्कुल कतई मंजूर नहीं है। इसी उद्देश्य के लिए जिस प्रकार उन्होंने 14% दे के अपनी फिर थपथपा रहे हैं, आज हम लोगों ने पूरे मध्य प्रदेश में खासकर शिवराज सिंह को बताने का प्रयास किया है और चेतावनी दिया है, मुझे पंचायत चुनाव नगरी चुनाव में मुझे 27% आरक्षण चाहिए। इसी माध्यम से आज हम लोगों ने मध्य प्रदेश को बंद कराया है, आज उसी तरह हम लोग रीवा बंद कर रहे हैं। जिला माही दर के पुन के पत्रकारिता का कलंकित करे वाला मामला सऊहे आबा है। अपना का बताई दी के एक युवती थाने पहुँच के तीन युवकन के खिलाफ दुष्कर्म के मामला दर्ज करवाई, जहाँ युवती आरोप लगाई के युवक उनके
पिछले 6 साल से अश्लील वीडियो बना के उनके साथ दुष्कर्म कर रहा है। वही पीड़िता दूसर शादी कर लीन और मनमानी माने से इनकार कर दीन। अब आरोपी अश्लील वीडियो का ही सोशल मीडिया में वायरल कराई के धौस दिखाई। वे मेरे साथ आज जब से मैं नाबालिग हूँ 15-16 साल से घटना घट रही है। कुछ पत्रकार हैं, अपने आप को पत्रकार बताते हैं, तो 3 लोग मिले हुए हैं इसमें और मुझे हमेशा से परेशान करते हैं। कट्टा चाकू ये सब रख के मुझे हमेशा से ब्लैकमेल करते आए हैं। ज़बरदस्ती मेरे साथ मैहर में एक बार ऐसे सिर्फ सिंदूर डाल के मुझे बता दिया गया कि मैं मुझसे शादी हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं था। और उस समय मैं नाबालिग थी, तो उनको एक रास्ता मिल गया मुझे परेशान करने का और वो लगातार घर आते रहे मेरे और मेरे साथ शारीरिक शोषण बनाते रहे। शिकायत की है उमेश सिंह, प्रद्युमन शुक्ला और अमर मिश्रा के ऊपर कि दुष्कर्म किया था और धमकी दे रहे हैं। सर क्या मामला है अभी क्या आप सामने आया होगा? महिला ने एक शिकायत की है और अभी इसकी शिकायत की जाँच सिविल लाइन थाना प्रभारी और उनकी टीम है जिसमें वंदना शर्मा सब इंस्पेक्टर ने की है। प्राथमिक जाँच से बताया है कि जो महिला है ये बांसघाट रहती थी, यहीं पर उमेश सिंह अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रहता था, इनका संपर्क हुआ, इसके बाद ही चले गए। जानकारी लगी कि उन्होंने शादी कर ली और कुछ फोटोग्राफ भी आए हैं सामने जिसमें से उमेश और ये महिला अपने शादी करने के बाद अपने मतलब महिला के पिता के पैर वैर छू रहे हैं, इस तरह के फोटोग्राफ भी शेयर हुए हैं, कुछ जानकारी में आया उसने भेजे हुए हैं। और इसके बाद भी महिला इस तरह की शिकायत करी तो पुलिस ने वो तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई करनी है, उसके लिए थाना प्रभारी को निर्देशित कर दिया गया है। खबर रीमा से है भाई, जहां कलेक्टर मनोज पुष्प पहाड़िया माही बने जल शोधन संयंत्र के निरीक्षण करी। कलेक्टर कई अठे गावन का घूम के नल जल आपूर्ति के जायजा लिहीन ही बे। कलेक्टर सगरा माही वाटर ट्रीटमेंट फिल्टर प्लांट और रौरा माही पानी के टंकी और टिकुरी माही बिहार नदी में बने इनटेक वेल का निरीक्षण करी ही बे। जल मिशन के तहत गांवों में डोर टू डोर जो पानी की सप्लाई का अभियान है वो शुरू हुआ है और इस इलाके में जो संस्था इस काम को कर रही है उनके इनटेक वेल और वाटर फिल्टर प्लांट का आज निरीक्षण किया गया है। इसके द्वारा 28 टंकियां बनी हैं और उससे 113 गांवों में सप्लाई की जाएगी। अभी जो इसके आसपास के 47 गांवों में इन्होंने सप्लाई शुरू किया है उनमें कई जगह टेस्टिंग के इश्यूज भी दिख रहे हैं। जो इनका फिल्टर प्लांट है अभी इनका लैब टेक्नीशियन और लैब की स्थापना का प्रोसेस चल रहा है। पीएचई को कहा गया है कि इनको हैंड होल्डिंग करे और जब तक इनकी लैब की स्थापना नहीं होती है तब तक पीएचई इनको टेक्निकल सपोर्ट प्रदान करेगा। रीमा के अमैया थाना के संजय गांधी अस्पताल धोबिया टंकी के लगे उस समय तफरी मची गए जब देखते ही देखा था कई एक टपरन माही आगे भड़क उठी। अपना को बताई दी कि घटना के जानकारी पुलिस का दिन गए तब फायर ब्रिगेड के मदद से पुलिस आगे में काबू पाई नहीं भय। एमा कोनो मेरे के जनहानी तो नहीं भय, पर सड़क के किनारे कई अट्ठे दुकान खोल के जो उन परिवार अपन भरण पोषण करते रहे उनके ऊपर जरूर आफत आई। आज के बुलेटिन में इतने। बघेली में खबर खातिर देखते रहिए मारविंद के बघेली समाचार। नमस्कार।